दर का न्यूज 19 में मैं बोल के सक्सेन आप लोग के साथ आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अगले 7 दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा नई एडमिशन पॉलिसी जारी करने के साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऐसे में प्रदेश के 450 से ज़्यादा सरकारी और 2000 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में एक बार फिर परसेंटेज के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अगले 7 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर और दौसा के लोगों को आज शाम से सरस डेयरी के दूध का पैकेट 2 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। जयपुर डेयरी ने सरस दूध की कीमतों में जो इजाफा किया है वह आज शाम से होने वाली सप्लाई से लागू होगा। हालांकि दही छाछ लस्सी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं है। इससे पहले जयपुर डेयरी ने 10 मार्च को दूध की कीमतों में इजाफा किया था, लेकिन डेयरी प्रशासन को अपना ये फैसला सरकार के दखल के बाद वापस लेना पड़ा था। उस समय डेयरी प्रशासन ने सरकार की ओर से दूध खरीद कर दिए जाने वाले अतिरिक्त बोनस में बढ़ोतरी करने पर कीमतों में इजाफा किया था। राजधानी जयपुर में 13 साल के बच्चे ने अपने ही माता पिता को साइबर अटैक से डरा दिया। 8वीं के स्टूडेंट्स ने माँ बाप के फ़ोन पर हैकिंग पर ऐप इंस्टॉल कर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए। साइबर सेल से शिकायत पर झूठ की पोल खुलता देख करके कई कहानियां भी रच डाली। हैकर्स के म्यूजिक सुना करके इम्प्रोटाइज करने से लेकर के घर में जासूसी के लिए जगह जगह चिप और अपने ही पिता को व्हाट्सएप पर गाली गलौज कर धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता को बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जानता हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइबर एक्सपर्ट के काउंसलिंग करने पर बच्चों ने सब कुछ खुद करने की बात मान ली है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों और प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक हर महीने किसी न किसी मुद्दे पर धरने और विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3.5 साल में दर्जन भर से ज़्यादा बार सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुके। सुप्रभात। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।